प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा नाम आता है स्मितानंदन पंत का, तीसरा जो नाम आता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और जो चौथा नाम आता है वो नाम है महादेवी वर्मा का। ये चार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आइए आगे देखते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये फोटो जो है जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 30 जनवरी 1889 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 वाराणसी में हुआ था। अब इनकी रचनाओं पे चर्चा करें तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो रचना है चित्राधार, जो ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं। दूसरी इनकी रचना है कानन कुसुम, तीसरी इनकी रचना है महाराणा का महत्व, फिर करुणालय है, फिर झरना है, फिर आंसू है, लहर है, कामायनी है। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है, और यह 1935 की रचना है। कहीं आपको 1935 मिलेगा, कहीं आपको 1936 मिलेगा कामायनी का प्रकाशन में। कई किताबों में अलग अलग तिथि दी गई है, लेकिन 1935 में कामायनी का प्रकाशन होता है और यह 15 सर्गों में विभक्त है। इसके बाद से ये सुमित्रानंदन पंत आते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 30 मई 1900 ईस्वी कौसानी में हुआ था। मृत्यु इनकी जो है 28 दिसंबर 1977 प्रयागराज में हुआ था। अब पंत जी की कुछ प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लें तो सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ऐसे हैं। इनकी रचना है बीड़ा, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, शिल्पी, प्रतिमा, बाणी, चिदंबरा और काला और बूढ़ा चांद। चिदंबरा पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और काला और बूढ़ा चांद पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। लोकायतन इनका एक महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत का। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लें तो सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नयपते, बेला, अर्चना। ये प्रमुख रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा। ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है कवित्री महादेवी वर्मा को। इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु होती है। कवित्री महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ ऐसे हैं रश्मि, निहार, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रियामा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं अब छायावाद के जो अन्य कवि हैं। छायावाद के अन्य कवियों की हम चर्चा कर लें तो छायावाद के अन्य कवि में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी, जानकी बल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये लोग छायावाद के ही कवि हैं, लेकिन छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो चार प्रमुख स्तंभों में इनकी गिनती नहीं होती है। छायावाद पूर्णतः जो है पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा के इर्द गिर्द में ही घूम के रह जाती है। अन्य कवि कवि छायावाद में, तो छायावाद का जो 1920 और 1936 का जो समय है ऐसा नहीं है कि पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा ही रहे, और भी कवि रहे।
लेकिन पंत प्रसाद निराला और वर्मा की जो कविताएं थीं वो पूर्णतः छायावाद में छाई हुई है। जो है आगे अब देखते हैं छायावाद की याद रखने योग्य कुछ विशेष बातें, छायावाद की क्या कुछ विशेष बातें हैं उन पे हम चर्चा कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए अब छायावाद में जो एक कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा रचना किया गया है जो 15 सर्ग में विभक्त है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है, मैंने बताया था आपको पहले। दूसरा राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, निराला जी की छायावाद की एक लंबी कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविताओं की जो सूची आती है तो 3 आती है उसमें, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास, ये छायावाद की 3 लंबी कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत की रचना पल्लव छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। निराला को क्रांतिकारी विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम विद्रोही कवि या क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहते हैं, तो छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को काव्य संग्रह को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी कवि में माने बड़े कवि में 3 लोगों की गिनती होती है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के बड़े कवि बृहत्त्रयी कवि में इनकी गिनती होती है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के बृहत्त्रयी कवि में गिनती होती है। छायावाद के लघुत्रयी कवि में जो नाम आता है वो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये 3 वर्मा लोग आते हैं छायावाद के लघुत्रयी कवि में। अब देख लेते हैं छायावाद के जो प्रमुख कवि और उनके नाम, छायावाद के जो कवि हैं और उनके उपनाम में क्या क्या दिया गया है। हम जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा की उपमा देते हैं, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु की उपमा देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम शंकर की उपमा देते हैं। ये पंत प्रसाद निराला जो है एक ब्रह्मा माने सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु जो है वो पालनकर्ता हैं और शंकर जो है संहारकर्ता हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश।